झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद विरोध के सुर बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने गुरुवार को काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला। कालवा रोड स्थित एक मैरिज गार्डन में पूर्व मंत्री के समर्थक जुटे। यहां पर घंटे भर तक बैठक चली। बैठक में लगभग 350 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। वहीं पूर्व मंत्री के समर्थक प्रदेश कार्यालय पर भी धरना शुरू करेंगे। बैठक में समर्थकों ने राज्यवर्धन सिंह गो बैक के नारे भी लगाए। बैठक के बाद कालवा रोड स्थित मार्बल मंडी से हाथों चौराहे तक मौन जुलूस निकाला गया। इसी दौरान समर्थकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी दर्ज किया। उधर विद्याधर नगर में टिकट कटने से नाराज विधायक नरपत सिंह राजवी गुरुवार को चुप्पी साधे रहे। जो जनता कहेगी वो करूंगा। इधर भाजपा से टिकट मांग रहे आशू सिंह सुरपुरा भी गुरुवार को सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विरोध में उतर गए। 14 अक्टूबर को खातीपुरा स्थित एक विवाह स्थल में उनके समर्थक सभा करने की योजना बना रहे हैं। सभा में आगामी रणनीति पर विचार होगा। माना जा रहा है कि आशू सिंह निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। पत्रिका से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी द्वार खुले हैं, जो जनता कहेगी वो करूंगा। माफी मांगे राजवी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने वीडियो जारी कर नरपत सिंह राजवी के कथित बयान की निंदा की। दाधीच ने वीडियो में कहा कि राजवी ने सोची समझी रणनीति के साथ राजनीतिक बयान दिया है। राजवी बयान देकर पलट गए। अगर पूर्व राज परिवार के खिलाफ बयान दिया है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।